ये आपको थोड़ा सा अगर वजाहत कर सकें तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। शहबाज शरीफ इस वक्त PMLN के सदर हैं और उनकी पोजीशन को कम्प्रोमाइज़ करना या आपकी कोई फैमिली के अंदर डिवीज़न को हाईलाइट करना मेरा इस वक्त एजेंडा नहीं है, ना मेरा मकसद है। लेकिन हमारे लाहौर ब्यूरो से, बल्कि सभी चैनल्स के जो लाहौर ऑफिसेज़ ब्यूरोज़ हैं, उन सब ने ये खबर फाइल की कि हुसैन नवाज़ को भी कुछ हदायत दी गई हैं सियासी मामलों के हवाले से। तो अगर थोड़ी सी रोशनी डालें तो अच्छा होगा देखने वालों के लिए कि मियाँ साहब कितना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ इसके ऊपर अगर आप लाइट डाल रोशनी डाल सकें। मेरा ख्याल है जी कि नदीम भाई पार्टी की सतह से इसके ऊपर पहले ही बहुत रोशनी डाली जा चुकी है। बात यह है कि वहाँ पे सबका एक यूनानिमस डिसीजन था पार्टी के जो अपना इजलास में कि मियाँ साहब जो है जो कुछ कहेंगे उनके लिए जो है वो मुकदम है। और फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो अपना सी की सतह के ऊपर जो मियाँ साहब की जो है अपना हदायत की रोशनी में जो डिसीजन लेंगे वो जो है मुकदम है। तो इस वजह से यानी मेरा जो है इसमें ना तो कोई इसमें रोल है ना मेरी कोई दखल अंदाजी है। मैं जिस तरह जो है अपना इंफेक्ट के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं इस तरह वो मेरे भी लीडर हैं और मेरे पास इसके अलावा ऐड करने के लिए कुछ नहीं है।